गोपालबालं भुवनेकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालहरिमुकुन्दं मनसा स्मरामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वदपत्यादिहेतवै तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, कहते हैं परमात्मा के तीन स्वरूप हैं, सत चित आनंद। सत विख्यात है, चित मौन है और आनंद अदृश्य है। आनंद वह आनंद जिस आनंद के लिए व्यक्ति आज अगर तक रहा है, यह आनंद मिलेगा, वह आनंद मिलेगा, उस आनंद को अदृश्य बताया गया है। और कहते हैं जिस प्रकार से दूध और दही में मक्खन छुपा है, ठीक उसी प्रकार से वो आनंद हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। जिस प्रकार से हम दूध की दही बना करके, दही का मंथन करके मक्खन प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें मनों का मंथन करके, आत्मचिंतन करके, परमात्मा का चिंतन करके हम उस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, जिस आनंद के लिए आज व्यक्ति दर्द भटक रहा है। और वह आनंद वही परमात्मा का सच्ची स्वरूप है, वही परमानंद है, वही स्वयं परमात्मा है। ओम गोपाल बालम भुवनेकपालम संसार मायामति मोहजालम यशो विशालम शिशुपालकालम बालहरिमुकुन्दं मनसा स्मरामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वदपत्यादिहेतवै तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, कहते हैं परमात्मा के तीन स्वरूप हैं, सत चित आनंद। सत विख्यात है, चित मौन है और आनंद अदृश्य है। आनंद वह आनंद जिस आनंद के लिए व्यक्ति आज अगर तक रहा है, यह आनंद मिलेगा, वह आनंद मिलेगा, उस आनंद को अदृश्य बताया गया है। और कहते हैं जिस प्रकार से दूध और दही में मक्खन छुपा है, ठीक उसी प्रकार से वो आनंद हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। जिस प्रकार से हम दूध की दही बना करके, दही का मंथन करके मक्खन प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें मनों का मंथन करके, आत्मचिंतन करके, परमात्मा का चिंतन करके हम उस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, जिस आनंद के लिए आज व्यक्ति दर्द भटक रहा है। और वह आनंद वही परमात्मा का सच्ची स्वरूप है, वही परमानंद है, वही स्वयं परमात्मा है।